छत्ते आरिफ छत में है सारे दस बजे आरिफ अपनी बीवी आरिफ का समझा गई अगर करता रहा तो सारे ख्वाल पकड़ के लोग सारे ख्वाल पकड़ के अवाम जो इस ख्वाल पकड़ का भला चाहते हैं ख्वाल पकड़ को सवारना चाहते हैं ख्वाल पकड़ को अच्छा बनाना चाहते हैं यही अवाम ख्वाल पकड़ जाकर पेश निकालेंगे। कितनी दलाली चल रही है कितनी मनमानी चल रही है इसी मनमानी को खत्म करने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हम लोग जमा होना तो खुशी के बाद में ये बड़े संत के साथ आए हैं उस कानून के फुल में से बताने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं याद रखेगा हमेशा कानून के खिलाफ आवाज उठाइए जब मिनटों में मिल जाएगा मिनटों में छत्ते आरिफ छत्ते हैं सारे दस बजे आरिफ अपनी बीवी आरिफ का आरिफ को कह रही है यदि वो भी निचार ना बचू पुलिस हो है वो पुलिस के बारे में नीचे उतरा और ये पुलिस उसके अंदर घुसा और उनसे बातों में उलझा के रहा और आरिफ के पीछे से 15 गुंडा पहुंच के आरिफ को मार देता ऊपर बाप के नीचे गिरा देता है ऊपर से नीचे के गुंडा आते हैं और वही पुलिस के सामने कह रहा है आरिफ को ऊपर था तुम झूठ बोल रही हो वो ऊपर से कूद कर गिर गया। ये स्टेटमेंट दिया आरिफ की वाइफ जो बिहार की है वो सारा स्टेटमेंट दे दिया। मगर सुनिए उसके बाद यहाँ का नेता यहाँ का मंत्री MIC वो स्टेटमेंट देता है क्या अंधेरे में गोली चला है क्या बात कहते हो भाई और क्यों क्या कर रहा है हम पार्टी से निकाल दिए हम पार्टी से निकाल दिए हम उसको प्रधान से निकाल दिए। अरे भैया तेरे पार्टी में नसरी भंगरी रहे या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमको पार्टी से निकाला कोई मुख्यमंत्री था कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था वो चीफ छत भैया को तुम निकाले रखो हमें फर्क नहीं पड़ता है हमें तो आरिफ का इंसाफ चाहिए हमें आरिफ का कत्ल जो कत्ल किया है वो जुलूम कर दो फांसी और उम्र कैद की सजा में करे और CBI मैं कह रहा हूँ आप सबों को गवाह रखे ये CBI मैं देखे आऊंगा अब मैं सिर्फ पहली अब मैं देखूंगा कि इनके जितना हैकरी है निकालूंगा इसलिए मैं लास्ट कराम करके अपने बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ वक्त कम है सुनिएगा ये तीन जो अभी अरेस्ट हुआ है हम लोग अभी ये आज 9 तारीख 11 तारीख को उच्च माध्यमिक का एग्जाम है उच्च माध्यमिक के एग्जाम के बाद पूरे गोल होकर रोज जाम कर लेंगे जब तक वो तीन आसामी वो तीन के आसामी को पकड़ेंगे क्या आपको चाहिए ना आज ना करो इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ आप लोगों को हम सब मिल करके हम लोग बहुत प्रोग्राम माजिल हमारा बहुत प्रोग्राम अच्छा इलाज जिला बहुत पैसा कमा देगा जिससे बहुत पोर से जरा पैन कार्ड ला ले जरा हमारे बाप जमीन में फसल का रहा है जरा हमारे दरबार को ले बहुत ऐसा खिलाफ है इंशाल्लाह। और मैं आरिफ के लिए एक ही बात बोलूंगा कि आरिफ का इंसाफ चाहिए हमारे आरिफ के इंसाफ के लिए आए और ऐसी को बहुत बगर का ऐसी को ना ट्रांसफर करना है ना ट्रांसफर उसको गोल पकड़ रख के उसी को गवाह बना के हम लोग इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ अगर वो ऐसी वहां रहा तो आरिफ का कतिल कातिल को सजा मिल जाएगा इसको यहाँ भगाने की कोशिश नहीं उसको गंजा को वो उसका बाल कटवा के रोड में दौड़ा दूंगा मैं इस चांस पर क्योंकि मैंने देख लिया उस आईसी ने बहुत जुलम किया है उस जुलम का हिसाब उनसे लेना है वो आईसी हमारे लिए रखा गया है हमें डराने के लिए नहीं गुंडा बन के हमारे पास आने का नहीं हमारे पास अगर पुलिस रिस्पेक्ट चाहता है तो इंशाल्लाह वो तीनों को अरेस्ट करे यही बात मैं खत्म करता हूँ जान बन जाएगी लेकिन याद रखे ये दलाली की दुकान बाल को घर बन से आने वाले समय से पहले पहले खत्म हो जाएगा लेकिन आज तैयार रहिएगा बस इसी को देख कर मैं अपने खत्म कर रहा हूँ लीजिए मेरे मेरी बात ये हिस्सा लिया और इस जुलूस को कामयाब किया जितने यहाँ गवाह है सारे गवाह है कि हिंदुस्तान को आजाद करने में नौजवानों का हाथ रहा और आज भी आप अगर जवान खड़े हो जाए तो ये समाज सुधर जाएगा समाज के दुश्मन जो है वो भी सुधर जाएंगे मैं नौजवान से विनर करूंगा मैं नौजवान से विनर करूंगा कि आप लोग यू ही डटे हैं आप लोग यू ही डटे हैं आने वाला फिर भी बड़ा आंदोलन होगा खुद आंदोलन भी आप मैं भी आपको हिस्सा लेना होगा मैं ज्यादा बारे नहीं बोल के मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आज के इस मेले में हमने शुरू से मोहम्मदी कमेटी पांच की पढ़ाई लगा ऑल इंडिया अमन कमेटी पांच की पारा और अमन आजाद हिंद कमेटी गोल पोहर की तरफ से हम लोगों ने रैली निकाली थी उस रैली में हम लोगों ने तमाम लीडरों को दावत दिया था तमाम पार्टी के लीडरों को दावत दिया था और ये बोल के दावत दिया था इस खुशी के इस गम के मौके में आप आए और
का साथ दे, इन मजदूरों का साथ दे। तो हमने देखना था कि कौन इस मौके में, उस गरीब मौके में आया, वो आज हम लोगों ने देख लिया कि हमारे ग्वाल पहर के सरबर भाई जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो बेचारा पहले से आके हमारे मिशन में शामिल हुए और आज कुछ कांग्रेस के लीडर है वो भी हमारे मिशन में शामिल हुए और जनाबाद बोलकर अहम काम है, बहुत कम है। मैं हमारे सरबर भाई के हाथ में मत को देना चाहता, इसलिए मेरे दोस्तों ग्वाल पहर के बाशिंदों, मुर्दा दिल न बने, दिल को जिंदा करें, दिल जिंदा दिल बने। जब तक आप दिल को बेदार नहीं करेंगे, दिल को जिंदा नहीं करेंगे, तो मैं इंसानियत की कदर नहीं करेंगे। आप जो लोग जिस तरह आज आरोप आए बेबस लाचार होकर इस दायरे फेरी से चला गया है, आपके जवानों को, आपके बेटों को भी इंसानियत के साथ जीना नसीब नहीं किया, बल्कि सब कुछ सब जवानों के अंदर डर है घुसा हुआ रहेगा। हमारा ग्वाल पहर अमन की जगह थी, शांति की जगह थी। हम लोग बचपन से ये समझते थे कि चोपड़ा में गुंडा करती है, मालदा में गुंडा करती है, लेकिन आज शरीफ जगह ग्वाल पहर, इंसानों की जगह ग्वाल पहर में तीन नंबर राज और सीमा तार कर पुलिस के साथ पुलिस गेट में खड़े होकर तमाशा सुनकर उनकी मां आरिफ की मां और आरिफ की बीवी को लेकर बातें कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, उनके को स्टोर करके जवान को, शरीफ इंसान को, इंसानियत वाले इंसान को, हमदर्द इंसान को, गरीबों को, नसीहा को कतल करके चले जाता है। एक शरीफ इंसान, एक गरीबों का नसीहा, एक गरीबों के साथ हमदर्द करने वाला इंसान का यहां हो सकता है दोस्तों, तो हमारा सुना का कुछ क्या होगा। इसलिए सोना बंद करें, दिल को जगाएं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के टुकड़ा ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे हजूर के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे हजूर के दिन रात बदल सकते हैं, और पहर वाले दिल बदल जाओ तो यह हालात बदल सकते हैं। इसलिए मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पूरे ग्वाल पहर वाले को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे आदमी को मिंबर न बनाए, ऐसे आदमी को प्रधान न बनाए जो हमारे जवानों की जान सलामत ना रख सके, बल्कि खुद जानी हो जाए। का पैगाम जो ना हक और उसका हक का हमें उठाया जाए।
आजाद, यही आवाज उठाने से उन लोगों की क्या हो गया, नाश में सब आ गया है। आज सब लोग ने पानी भरा मुझे अपने हाथ से सब जगह सन्नाटा, जरूर सन्नाटा नहीं, आप जमीन के साथ होकर जमीन के खिलाफ हो, अगर जमीन के खिलाफ होते आज इस कमी के वालों के साथ रहते, आपने सब कुछ कर दिया। आप तो लोग बन सकते हो लेकिन मजलूम के राजा नहीं बन सकते, मजलूम के मसला नहीं बन सकते, मजलूम के मसला नहीं बन सकते, लेकिन याद रखे हम लोग का दिमाग है प्रशासन से और ये अंतिम एकदम देते हार नहीं देते हुए, ये कोई खेल नहीं है, ये हवा से बात नहीं करते। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूरे साल को घर में आंदोलन छेड़ेंगे, पूरे साल को घर में, पूरे साल को आज नेता लोग पहचान हो जाए, अपनी नेतागिरी की दुकानदारी बंद कर दे, तुम्हारी दलाली की दुकानदारी हो सके तेरी तानाशाही आप बंद कर दो, खुदा के वास्ते बंद करो, मजलूमों को अपना हक दिलाओ, अगर मजलूमों को अपना इंसाफ ना मिला तो आम होगा अक्सर पूरा बार को हर जान होगा, वो अक्सर करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं, बात होते कोई बात होगा। हमारी मांग है देश आज देश कोर्ट में चले और सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच तो सीबीआई जांच होगी तो अच्छी अच्छी की सत्ता छूट जाएगी, इसका तार कहां से रहे आपको जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है, आवाम जानना चाहती है, कैसी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन ने रिमांड में लिया उसको, इसको आरिफ के हथियार वसूल जगह कोर्ट से, पुलिस प्रशासन रिमांड में लिया कोर्ट से टाइम लिया उसे क्या करने के लिए भाई, मेहमानी कराने के लिए, बगैर हथकड़ी बना करके घुमाने के लिए, आप हथकड़ी लगाते तब जब हमारी कमेटी का लोग आंदोलन करते हैं, तब एक गरीब को हाथ लगा तो किसी जगह से कौन हथकड़ी लगा देते हो, एक गरीब को काटते हो कैसे कौन हथकड़ी लगा देते हो। मैं बोलने पुलिस प्रशासन से एक सवाल है कि आपने जब ईमान में लिया आपने क्या बरामद किया भाई, क्या बरामद किया, आप मीडिया में क्यों नहीं दिखाए, आपके इसका ईमान लगाने के बाद कौन सी हथियार से गोली चली, वहां तक छब्बीस सवा है, 50 से 60 खरीद हुई गोली चली, 50 से 60 कौन सा हथियार था, 50 से 60 खरीद की, उसमें 4 आदमी की गोली लगी, 4 आदमी में 1 आदमी शहीद हो जाते हैं, 3 आदमी आदम जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ, कहा गई थी आपकी ताकत, कहा गई थी आपकी प्रशासन, आज के नाश के नीचे घटना हुआ, 7:30 बजे लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, गोली चलती है और 11:30 बजे आरिफ को शहीद कर देता है, उसको मार नहीं देता, कहा गई आज की पुलिस, कहा गई पुलिस की ताकत, आज मैं प्रशासन में आके बोला टाइम साफ कर टाइम जगह हो गया, इतना टाइम को साबित करते हो तो 7:30 बजे आरिफ का गिर जाते, आरिफ को जो बचा लेते थे, आप लोग टाइम के पालन में आपका आलू का रहने का लोगों की, लेकिन यहां तक से हुकूमत आती और जाती है पुलिस प्रशासन साहब, आज इसकी अगर तरक्की होगी लेकिन आपकी नौकरी रहेगी, आपको ईमानदारी से नौकरी करना, याद कीजिए आपकी शपथ ग्रहण को, क्या छोड़ करके आप शपथ लिए थे और आप क्या कर रहे हैं बात को हटा के, लिहाजा मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, टाइम कम है कुछ बातें के आरिफ के हथियारों को क्या है, सीबीआई जांच को, सीबीआई जांच को पुलिस प्रशासन मीडिया ने क्या किया, मीडिया के सबसे पहले मेरे मीडिया लोग आगे चल रहे हैं, आपका भी सवाल है, आप पुलिस प्रशासन से दबाव डालिए तो साथ में किस नाम किसके कुछ नेता के धर्म नामा नहीं कर सकता, जिसका कौन है नेता, कौन है नाजिक की पीछे ताकत, कौन सी ताकत है नाजिक को इतना बढ़ावा मिला, कौन है फसल पत्र के जान उसका, पुलिस है या नेता है, पुलिस है उस पर एफआईआर करेंगे हम लोग आने वाला कल, क्या पीएसपी हो, क्या वो पीएसपी हो, क्या वर्ष हो, क्या आईसी हो, आप इस बात को उठाइए और प्रशासन सवाल कीजिए, फिर मैं बात को आईसी से बोलूंगा कि आपके सामने घटना होता है आप खामोश प्यार करते हैं, जनवरी में एक पुलिस को मारा जाता है आपके सामने मजबूर होकर के वो हाईकोर्ट में केस करता है, आज का हमारा थाना रहती है हम हाईकोर्ट में जाकर केस निकालेंगे, कितनी दलाली चल रही है, कितनी मनमानी चल रही है, इसी मनमानी को खत्म करने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए, हम लोगों का जमा होना तो खुशी की बात नहीं है, बड़े फंस के साथ आए हैं उस कानून के फूल में से बचाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं याद रखेगा हमेशा कानून के खिलाफ आवाज उठाइए, मिनटों में मिल जाएगा, मिनटों में।